भाई साहब पीछे देखिए ना, चलेगा सर लो पर अब मत ले पास के। पहले मैन ले उसको आगे खड़े हाँ उधर उधर कृपया सभी खिलाड़ी ध्यान दें, मैच के तुरंत बाद ओपनिंग सेरेमनी होगा तो सभी खिलाड़ी पिच पे आएंगे और जिस तरह से आपको बताया गया है ए टू लेके जेड तक आपको इस लाइन में बैठना है। सभी कोचेस और टीम के कैप्टन इस बात पे ध्यान दें। ऐसा करे हुए कहाँ जाएंगे, हम विदाई करना पड़ेगा मुंबई से। पीछे चलो ना यार, अरे पार्टी चलो ना यार, यार ये बहुत एक काम करो, आप लोग वहाँ पहुँच जाओ फिर हम लोग आ जाते हैं। आप लोग पहुँच जाइए पहले ऑन स्टेज, वी विल विल लेट्स गो ऑन द स्टेज ना गाइस, विल गेट अ गुड स्टफ, लेट्स गो ऑन द स्टेज। आप लोग पहुंच जाए, बहुत कम जगह है, देखिए पीछे हम लोग सब इकट्ठे नहीं जा पाएंगे भाई, आप पीछे देखो जाली पूरी। अब ये कहानी आज से 17 साल पहले चली जाती, 18 साल पहले, बल्कि एक कड़कती धड़कती बारिश के मौसम में जहां पर बारिश पड़ रही और एक टूटी फूटी बाल्टी इधर से उधर की जा रही, ये जो है माहौल आप इमेजिन करिए। मेरे बच्चे जो है वो सुनना चाहेंगे देखना चाहेंगे। दादा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाइए। वैसे तो ये जिसको स्लम सॉकर कहा है ये है ओरिजिनल में झोपड़पट्टी फुटबॉल, यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने कभी फुटबॉल, कई ऐसे जिन्होंने फुटबॉल देखा भी नहीं है, जंगल नक्सल वाले एरिया जो है वहां भी रहने वाले, उन बच्चों के बीच में से कारवा शुरू हुआ
और आज यह स्लम सॉकर है दुनिया के 200 देशों में खेला जाता है। और फिर सोनी ने तो कमाल कर दिया कि उधर जम्मू कश्मीर से केरला तक और इधर आसाम उड़ीसा से लेकर तो गोवा गुजरात तक पहुंचा दिया। ये केवल हमारे बच्चों की मेहनत है कि जो यहां तक पहुंचे हम लोग 2001 में, जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि 2001 में बारिश की शाम में कुछ बच्चे ऐसे ही कीचड़ में टूटी बकेट से प्लास्टिक को किक कर रहे थे, और एज ए टीचर मैं जब वहां से चले जा रहा था, बारिश आने से मैं वहां रुक गया तो मेरी टटोलने वाली आंखें उनमें कुछ ढूंढ रही थी और उसमें मुझे मिला। मैंने वहां आधे घंटे में ये देखा था कि ये जो स्लम के अधनंगे बच्चे जो खेल रहे हैं, ये जिसको किक मिल जाए, बकेट मिल जाए, उसको किक करने के बाद में फिर उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे। उस आधे घंटे में मैंने ये देखा कि जितनी देर ये बच्चे जिसको मौका मिल रहा है और उसके साथ में जिसको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है इनमें से किसी ने कोई सिगरेट नहीं पी है, किसी ने कोई बीड़ी खर्रा कुछ नहीं खाया है। तो वहां पर एक टीचर को एक नया मकसद मिला कि हाँ, इन बच्चों को, ये स्लम के बच्चों को मैं ये फुटबॉल दूंगा और इन्हें ग्राउंड पर लाऊंगा और ग्राउंड पर लाके इनके जीवन का एक कम से कम आधा एक घंटा जो है वो अच्छा जीवन में दूंगा। और उस अच्छे जीवन को मैंने शुरुआत की तो तब मुझे ऐसे ही आपके मित्र लोग जो नागपुर में रहते हैं, उनको जब पता चला कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये पब्लिसिटी स्टंट बंद कर दीजिए सर, ये स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, और आप क्यों करते हैं, ये पॉलिटिक्स है, आप क्यों इनको बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये कर रहा था, मैं उनके पीछे नहीं गया, मैं आज भी इन सब बातों के पीछे नहीं जाता। मेरा अपना जो मकसद है, वो टारगेट जो है वो बिल्कुल पक्का है, और इसी कारण से, उस टारगेट के कारण से, उस मकसद के कारण से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। पासपोर्ट मिलने की संभावना तो नहीं रहती, तो उसमें आज कटते ऐसे करते करते चार और चार आठ लोगों की टीम, मैनेजर कोच ऐसे 10 लोग विदेशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट का टूर कर लिया है। और अभी इस साल नार्वे है, वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आए थे। मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ, ये स्लम के बच्चों के साथ में मैं भी हूँ, इस कर्तव्य को पूरा करने आए हूँ। अगर आप लोग सब बैठ जाएंगे तो सब लोग देख पाएंगे, इधर आके बैठ जाइए प्लीज। ओके, कंटिन्यूइंग। ओके, सो एक बार फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोनी की जो एचआर हेड है। थैंक यू। व्हाट्स अप बॉयज, कैसे भाई लोग, सब लोग रेडी है खेलने के लिए? ओके, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे अब, तुम लोग कब से वेट कर रहे हो हमारे लिए। थैंक यू। आई थिंक पहली बात, जैसा कि मैं समझता हूं, जैसा कि सर ने कहा, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा लगन और पैशन है। मैं बचपन से खुद खेलता आ रहा हूं, और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था नेल्सन मंडेला का। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब स्पोर्ट्स की शक्ति है पूरी दुनिया को बदलने के लिए। और आज जो हम आपको खेलते हुए देखने के लिए आए हैं, वही देखने के लिए आए हैं कि तुम लोग सब रिहर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, लड़कियां भी खेल रही हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो टीम यहां से जीतेगी वहां पे वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो एक बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होती है कि हमारे देश में, हमारी सिटी में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनी जो उसको सपोर्ट कर रही है। मैं खुद मानता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए, कौन से बैकग्राउंड से आए, आपका दोस्त है, पड़ोसी है, या आप उसको नहीं जानते हैं, स्पोर्ट्स में सब बराबर है, स्पोर्ट्स में सब इक्वल है और सब जायज है। रूल्स के साथ खेलो, फॉर्म मत करना। सो या आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट है ये, और मैं चाहूंगा कि एक साल नहीं, अगले 50 सालों तक चले और तुम में से एक टीम जाके वर्ल्ड कप जीते हमारे लिए। यार कम ऑन, सो थैंक यू। मैं भी फील्ड पे आने वाला तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत खेलने के लिए, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक बॉयज एंड गर्ल्स, एंड आई विल सी यू ऑन द फील्ड। जितनी बात स्पोर्ट्स के लिए कही जा रही है, एक दिल में जहन आ रहा है, जहन में बात आ रही है कि सिगरेट पैकेज पे जैसे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स,
जल्दी लिखा जाएगा स्पोर्ट्स बिल्स एंड स्पोर्ट्स रिड्यूसेस बिल्स. सो विद दैट स्पिरिट नाउ आई कॉल अपॉन मिस्टर एंडी हुक जो हमारे स्लम सॉकर टीम के परमानेंट कोच हैं, हेड कोच हैं. ये बेसिकली स्कॉटलैंड से हैं और विजय बासे जी को ये कुछ साल पहले 2008 में मिल गए थे और इन्होंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, एयरपोर्ट पे मिल गए थे और जब उन्होंने बताया तो उनको इतना अच्छा लगा उन्होंने जब देखा. और अब जो हमारी इससे पहले भी जो टीम जा चुकी है ब्राजील उसके कोच रह चुके हैं और मैं चाहूंगा कि एंडी हुक सर जो है प्लीज शेयर सम वर्ड्स विद अस, एनकरेज द बॉयज एंड द गर्ल्स. थैंक यू सो मच. Okay, guys, please apologize here for my Hindi, but I have been coming to India now for 10 years and I find it a fantastic place. Thank you so much for all your welcome. I hope this week it goes really well, and thank you to Sony, to all the volunteers, to all the supporters, to make this possible to be the largest slum soccer event ever. 40 teams from all over India, including a team from Nepal. This is going to be a fantastic week, guys. So I'd like to wish you all well and hope we can have a fantastic week this week playing football. And I'll hand it over now to yourself to get this game started. Thank you very much. Captain only. Only the captain, please. Here by Captain I. Nepal. विदर्भा गर्ल्स इसके बाद हैं. विदर्भा गर्ल्स की कैप्टन आ जाएं. विदर्भा गर्ल्स राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. नेपाल विदर्भा गर्ल्स टीम की कैप्टन Boys. This is what now? This is for Vidarbha boy. Qatar. Vidarbha girls. Sir, come on. Sir. प्राची बोल प्राची तमिलनाडु कैप्टन. तमिलनाडु कैप्टन प्लीज. महाराष्ट्र कैप्टन प्लीज. गर्ल्स महाराष्ट्र गर्ल्स कैप्टन. महाराष्ट्र गर्ल्स नेक्स्ट कौन है उसको भी आ जाएगा. ओके